हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इंटू। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के होते हैं या जो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक को ज़्यादा पसंद करते हैं, वो इस टॉपिक के साथ स्ट्रगल करते हैं। और जब ये टॉपिक को वो क्वांटम केमिस्ट्री में देखते हैं या जब इस टॉपिक को वो थर्मोडायनामिक्स में या केमिकल काइनेटिक्स में स्पेशली न्यूक्लियर केमिस्ट्री वगैरह टॉपिक्स में देखते हैं तो वो डर जाते हैं। तो टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ ग्राफ। देखो, एक चीज़ याद रखना, फिजिकल केमिस्ट्री विदाउट फॉर्मुलेस एंड ग्राफ इज इनकम्प्लीट। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ग्राफ और फॉर्मुलेज और इक्वेशंस तो आएंगे ही आएंगे, आप उसके बिना नहीं पढ़ सकते, आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ग्राफ कैसे होते हैं और उन ग्राफ्स को हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा एग्जांपल्स लेने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाते समय, तो आपको थोड़ा शांति से सुनना पड़ेगा, वीडियो को एंड तक देखना वरना बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। देखिए, मानिए आप अगर किसी एक दुकान में जाते हो और उस दुकान में जाके अपना कुछ बुक्स लेने वाले हो, ठीक है, और उस बुक्स का मैं यहाँ पे पैसा लिख देता हूँ। जब आप जीरो बुक लोगे तो जीरो पैसा देना पड़ेगा। अगर आप एक बुक लेते हो तो आपको 10 रुपये देना पड़ता है, दो बुक का 20 रुपये देना पड़ता है, तीन बुक का 30 रुपये देना पड़ता है, चार बुक का 40 रुपये देना पड़ता है। ऐसे करते करते आप जितना बुक लोगे उसे हिसाब से पैसा बढ़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ बुक्स। आप जितना ज़्यादा बुक्स लोगे उतना ज़्यादा पैसा बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ मनी को जब भी हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सेस पे प्लॉट करेंगे, बुक को जब भी हम प्लॉट करेंगे किस पे प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सेस पे प्लॉट करेंगे। तो मुझे बताओ इक्वेशन मेरा क्या बनेगा। मनी यानी वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स यानी एक्स एक्सेस पे मल्टीप्लाइड बाई 10, उसका मतलब होता है स्लोप। तो इसका इस फॉर्मूले को हम कहते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स। अब ये जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसका मीनिंग क्या है भाई, पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब ये है कि अगर x का वैल्यू जीरो रखूंगा तो y का वैल्यू भी जीरो आएगा, क्योंकि कोई भी बुक नहीं लोगे तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। अगर एक बुक लेते हो तो 10 रुपये, दो बुक लेते हो तो 3। अच्छा, मान लो मुझे 7 बुक्स लेनी है तो मुझे बताओ पैसा कितना हो जाएगा। तो एक बुक का कितना पैसा है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 7, आंसर कितना निकल के आएगा, 70। एक बुक का पैसा यानी स्लोप, नंबर ऑफ बुक्स यानी एक्स, पैसा यानी वाई, तो वाई विल बी इक्वल टू एम एक्स। तो मुझे बताओ ग्राफ कैसा निकल के आएगा। तो मेरा ग्राफ अब निकल के आएगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बुक्स यानी क्या आ गया, एक्स एक्सेस, और ये हो गया वाई एक्सेस। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मनी। तो मुझे एक बात बताओ, जब बुक्स जीरो तो पैसा जीरो, बुक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो पैसे का वैल्यू बढ़ेगा। लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास होना मतलब वो क्या बताता है। अब देखो, मैं केमिस्ट्री की भाषा में बात करता हूँ, अगर बुक्स की जगह मैं लिख देता हूँ टाइम, तो जब टाइम वॉज जीरो उस समय कुछ भी नहीं था, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा वैसे 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 वैसे, वैसे, वैसे चीज़ें बढ़ने लग गई। अब ये हमेशा याद रखना नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई ग्राफ आएगा। अच्छा, दूसरे ग्राफ की समझ चलते हैं। मान लो आप एक दुकान में जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, यू आर गोइंग इन टू ए मॉल वापस से बुक लेने के लिए, लेकिन मॉल वाले का एक रूल है, अंदर आने के लिए आपको पहले 50 रुपये पे करना पड़ेगा, 50 रुपये वहाँ पर टैक्स लगता है अंदर आने के लिए। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक्स और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस, ठीक है, आपने एक भी बुक नहीं लिया लेकिन फिर भी 50 रुपये पे करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स भरना पड़ता है। अच्छा, आपने एक बुक लिया तो कितना भरना पड़ेगा, 50 प्लस 10। आपने दो बुक लिया तो दो बुक के लिए 50 प्लस 2 × 10। आपने तीन बुक लिया तो 50 प्लस 3 × 10, समझ में आया। आपने चार बुक लिया तो 50 प्लस 4 × 10। अब मुझे एक बात बताओ, इसको करके तुम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, प्राइस निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे बताओ 50 क्या था, कांस्टेंट था भाई, फिक्स अमाउंट था। जब तुमने एक भी बुक नहीं लिया फिर भी तुमको 50 रुपये भरना पड़ा, हम इसको लिख देते हैं सी। अच्छा, प्लस एक बुक का प्राइस कितना है, 10 रुपये, जो हमेशा फिक्स है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं एक्स, और ये क्या है नंबर ऑफ बुक्स, तो हम इसको हम क्या लिख देते हैं एम, ठीक है, जो फिक्स क्वांटिटी है उसको हम क्या लिख देते हैं m, और x क्या है जो चीज़ बदल रही है, तो y विल बी इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आई होप आपको समझ में आया मैंने कैसे निकाला। तो ये इक्वेशन हमने 12वीं से पढ़ा हुआ, इसका मीनिंग क्या है आपको समझ में आना चाहिए। मीनिंग क्या है, अगर मैं एक भी बुक नहीं लेता हूँ, बुक का मतलब हो गया x एक्सेस, अगर x एक्सेस पे वैल्यू जीरो है तब भी कुछ तो प्रेजेंट है, और अगर x एक्सेस का वैल्यू बढ़ेगा तो उसमें सिर्फ ऐड होते जाएगा। तो मुझे बताओ ग्राफ कैसे निकालोगे, x का वैल्यू जीरो तब भी 50 है, अब अगर x का वैल्यू बढ़ेगा तो वो भी वहीं से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जो कट मार रहा है वो क्या है, ये कट जिसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, व्हेन x का वैल्यू इक्वल टू जीरो y इक्वल टू हाउ मच। जब x का वैल्यू जीरो हुआ होगा उस समय y कितना हुआ होगा, और उसके बाद में y का वैल्यू जो होगा वो वक्त के साथ फिर बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि वो उसमें ऐड होता जाएगा।
आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो मुझे उम्मीद है ये दो टाइप के ग्राफ आपको केमिस्ट्री में समझ में आ गए होंगे, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स है। अब इससे आगे बढ़ते हैं ना, दोनों ग्राफ में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो, दोनों ग्राफ में जो मेरा ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव ग्राफ। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव ग्राफ, जहाँ पर चीज़ बढ़ रही है इसको भी क्या कहते हैं, पॉजिटिव ग्राफ। क्या कहते हैं इसको, पॉजिटिव ग्राफ। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं अगले टाइप के ग्राफ्स की। तो देखो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले ग्राफ हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका ग्राफ कैसे आएगा। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका ग्राफ हमेशा इस तरीके से आएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, और फॉर्मूला क्या होगा, वाई विल बी इक्वल टू एम एक्स। फिर हमने दूसरा ग्राफ क्या पढ़ा, दूसरा ग्राफ पढ़ा जहाँ पे कट लग रहा होगा, कट ऑन वाई एक्सेस, कट ऑन वाई एक्सेस। अब इसमें दो टाइप के ग्राफ आते हैं, हमेशा याद रखना, इसमें ना दो टाइप के ग्राफ आते हैं। कैसे, एक जिसमें कट लग रहा है और फिर ऊपर इंक्रीज हो रहा है, एक जिसमें कट लग रहा है और नीचे डिक्रीज हो रहा है। अब इसका मीनिंग क्या, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, मतलब मैं कहीं पे एक मॉल में घुस जाता हूं और मुझे वहां 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, घुसते ही 50 रुपये देना पड़ता है, मेरा फॉर्मूला क्या होगा, वाई विल बी इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये मेरा फॉर्मूला था, जहां पर ये जो था वो मेरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा सी का। ठीक है, अब अगली बार मानो आप एक दुकान में जाते हो, हाँ आप ना एक कसीनो में चले गए हो, कसीनो में, और आप जाते समय जो पैसा लेके गए हो ना, 5,000 रुपये लेके गए हो खेलने के लिए, तो जब आपने कुछ गेम नहीं खेला तब भी आपके पास 5,000 रुपये हैं, आप 5,000 रुपये लेके वहाँ पे घुस गए। जैसे ही आप वहाँ पे घुसे आप धीरे धीरे हारने लग गए, घुसते समय कितने थे, जब आपने गेम नहीं खेला तब भी कितने थे, 5,000 रुपये थे। अब जैसे जैसे गेम खेल रहे हो वैसे वैसे आप पैसा हारने लग गए हो, अब जैसे जैसे पैसा हारने लग गए, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई का वैल्यू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, इसको कहेंगे नेगेटिव। धीरे 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 स्लोप कम हो रही है, नेगेटिव जा रहा है। ये कौन सा है आपका, ये कट था, जब एक्स का वैल्यू जीरो, जब टाइम का वैल्यू जीरो तब आपके पास 5,000 रुपये थे। इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ, जब तुम अंदर घुसे तब तुम्हारे पास 5,000 रुपये थे, और जैसे ही अंदर घुसे उसके बाद वक्त के साथ आप जीतते जा रहे हो, तो टोटल पैसा जो होगा वो क्या होगा, 5,000 प्लस 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 ऐड करते जाओ, यानी पैसा बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे 5,000 में से माइनस करते जाओ तो पैसा क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला बता दो क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y will be equal to आप जब अंदर घुसे तब कितना लेके गए थे, c लेके गए थे, यहाँ पर जब आप अंदर घुसे तब कितना लेके गए थे, c, उसके बाद बढ़ते गया यानी c plus mx, यहाँ पर आप लेके कितना गए हो, C लेके गए हो, पर उसके बाद धीरे 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 कम होते गया, यानी कितना हो गया, माइनस mx। आपको सिर्फ ये पता करना है एक बार अगर x बदला तो कितना कम हुआ। अब पता करो कितने देर तक आप खेले, मतलब एक मिनट में कितना रुपए हार गए, सर 100 रुपये, और 15 मिनट में कितने हार गए, 100 × 15, उतना माइनस कर दो। मतलब मैं अंदर गया हूँ और 5,000 रुपये लेके गया हूँ, और मैं हर मिनट में मैं 100 रुपये हार रहा हूँ, 100 रुपये हार रहा हूँ, लॉस में जा रहा हूँ, मैं LOSS लॉस में जा रहा हूँ। तो मुझे बता 15 मिनट खेलने के बाद मैं कितने लॉस में चले जाऊँगा, 15 मिनट के बाद 15 × 100 हो जाऊँगा, कितना आंसर आएगा, 1500 रुपये मैं हार जाऊँगा। बताओ मेरे पास अब कितना बचा, तो y अब कितना है, y, बिकॉज y पे मैं मनी प्लॉट कर रहा हूँ, विल बी इक्वल टू पहले कितना था, 500 माइनस अब कितना हो गया है, 15 × 100, ये क्या था, c, घुसते ही जितना लेके गया था, माइनस 15 क्या है, x, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, हर मिनट में कितना चेंज आ रहा है, यानी m, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस एम एक्स। तो इसको कहते हैं नेगेटिव स्लोप, और इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्लोप। तो अगर वक्त के साथ कोई चीज़ बढ़ रही है तो पॉजिटिव स्लोप, वक्त के साथ अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव स्लोप। और स्लोप का मतलब क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, स्लोप का मतलब होता है अगर एक्स का वैल्यू 1 से चेंज होगा तो वाई का वैल्यू कितने से होगा, यानी चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, और आई कैन से dy/dx, और यहाँ तक समझ में आया। तो ये कुछ चीज़ें और ये कुछ ग्राफ का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना ही मैं कोई BSc MSc लेवल की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये सब हमने 11th-12th standard में पढ़ा हुआ है, बट इसका इंटरप्रिटेशन और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जब आप केमिस्ट्री के ग्राफ्स के साथ डील करोगे उस समय आपको ग्राफ देखते ही समझ में आना चाहिए। अगर नेगेटिव स्लोप है इसका मतलब वक्त के साथ वो चीज़ कम हो रही है, और उसमें स्लोप क्या है, पर सेकंड कितना कम हो रहा है, हर सेकंड में कितना कम हो रहा है, जब हर यूनिट वक्त चेंज हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, उसको नेगेटिव स्लोप कहते हैं। और सी क्या है, जब स्टार्ट किया तब कितना था, मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट हर सेकंड के बाद वो रिएक्टेंट कम होते जा रहा, तो स्टार्ट कितने से किया, इतने से, हर सेकंड के बाद इक्वल अमाउंट में कम हो रहा है, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। समझ में आया। अच्छा, मेरे पास प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, जीरो,
तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, जीरो, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है तो ग्राफ कैसे आएगा? पॉजिटिव, समझा? तो दिस ग्राफ्स आर रियली 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 इंपॉर्टेंट, इनको समझ लेना। अब आते हैं एक और टाइप के, दो और टाइप के ग्राफ्स पे आज चले आते हैं, इनको समझने की कोशिश करना। इन ग्राफ को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब तक आपने लोगों ने जो पढ़ा था लीनियर ग्राफ, अब आते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ पे। मतलब मान लो आजकल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, देयर इज कोरोना गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, इंडिया में, अब्रॉड में, यूएस, इटली का बहुत हालत खराब हो गया है, चाइना में, वुहान से स्टार्ट हुआ, यूएस में चला गया, तो मैं उसी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि लोग इससे शायद कुछ समझ जाएं। मानिए मेरे पास एक आदमी इन्फेक्ट हो जाता है, वो आदमी जाके मिलता है दो लोगों से, तो ये दो लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, ये और दो लोगों से जाके मिलता है, ये और दो लोगों से जाके मिलता है, अब कितने इन्फेक्ट हो गए? चार हो गए, तो एक से कितने हुए? डबल। डबल का कितना हो गया? उस समय जितना था उसका डबल, उस समय जितना था उसका डबल। अब ये और दो लोगों को जाके मिलेगा, ये और दो लोगों को जाके मिलेगा, ये और दो लोगों को जाके मिलेगा, अब ये और दो लोगों को जाके मिलेगा, अब ये और दो लोगों को जाके मिलेगा। तो मुझे बताओ अब कोरोना वायरस के पेशेंट कितने हो गए? दो, दो चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो पहले कितना था? एक, फिर कितने हुए? दो, फिर कितने हुए? चार, अब कितने हो गए? आठ। तो एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ। तो अब आगे अंदाजा लगा लो, आठ का डबल कितना होगा? सोलह, सोलह का डबल कितना होगा? बत्तीस, बत्तीस का डबल कितना होगा? सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर का डबल कितना होगा? लाइन चलते चली जाएगी अगर हर इंसान दो 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 इंसानों के साथ मीट होता रहेगा। तो ऐसे टाइप का जो ग्राफ आता है उसको हम कहते हैं, पहले कितना था? पहले जीरो था, उससे एक में आया, और उसके बाद एक से डबल हुआ, डबल से चार हुआ, चार से ऐसे आर टाइप का ग्राफ आता है, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। पर ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ किस में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे ग्राफ के इक्वेशन में हमेशा ई रेस टू ऊपर कुछ पॉजिटिव आएगा। जैसे मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, जैसे k विल बी इक्वल टू a इंटू ई रेस टू प्लस ए बाय आर टी, अगर मैं लिख दूँ, इसका मतलब क्या हो गया? ये पॉजिटिव में, यानी इसका जो ग्राफ आएगा वो एक्सपोनेंशियली पॉजिटिव ग्राफ निकल के आएगा। या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि लड़े से y विल बी इक्वल टू ई रेस टू समथिंग पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव, तो जैसे जैसे ई रेस टू पॉजिटिव x, ई रेस टू पॉजिटिव x, तो जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू बदल रहा है, लेकिन कैसे? एक्सपोनेंशियली। अच्छा, दूसरी कंडीशन लेते हैं। मान लो मेरे पास 100 बैक्टीरिया थे, 100 बैक्टीरिया थे, 100 बैक्टीरिया जो थे थोड़ी दिन के बाद वो मर के आधे हो गए, 500 हो गए, फिर उनके बाद उसका भी आधा मर गया, कितने हो गए? 250 हो गए, उसका भी आधा मर गया, उसका भी आधा मर गया, डोंट यू फील धीरे धीरे वक्त के साथ कम होते जा रहा है? तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? नेगेटिव तौर पे आएगा। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है वाई डिक्रीज हो रहा है, y is decreasing, y यहाँ पे y was increasing, तो decrease हो रहा है, तो y का formula जो होगा e raised to आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो negative x आएगा। मतलब अब देखो, x पे time हो सकता है, x axis पे कुछ भी हो सकता है, तो अगर time है तो ऊपर के जो आएगा वो क्या आएगा? प्लस t आएगा, और अगर इधर time है तो ऊपर क्या आएगा? माइनस t आएगा। तो मैं x लिख के छोड़ देता हूँ, x में कुछ भी हो सकता है, दैट विल बी द जनरल इक्वेशन। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और इसमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ किसका है? ये डीके का है, और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है वो किसका है? ग्रोथ का है। हम कहते हैं ना पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, मतलब आज जितना था कल उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल। हम कहते हैं ना ये मरते जा रहे लोग एक्सपोनेंशियली मर रहे हैं, इसका मतलब आज जितने मरे कल उसके भी डबल मर गए, फिर उसके भी डबल मर गए, मतलब उससे भी हाफ हो गए, हाफ का हाफ, हाफ का हाफ होता गया। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप ये वाला ग्राफ देखोगे, एक्सपोनेंशियल डीके आता है। काइनेटिक्स में आप ये वाला ग्राफ देखोगे, बहुत सारी जगहों पर ये वाला ग्राफ देखोगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और इस वीडियो से आपको ग्राफ के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी के स्टूडेंट जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे या जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, तो चीज़ों को समझना और उसको इंटरप्रेट करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, और हो सके तो जाते जाते लाइक कर देना यार, लाइक करने के पैसे नहीं मिल लगते, और लाइक करने का आपका कुछ भी नहीं चला जाएगा, लेकिन हाँ मुझे मोटिवेशन फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।